YouTube मेरा चैनल डिलीट करने जा रहा है। ऐसी क्या गलती हो गई हमसे जो YouTube ने कल रात को एक मेल किया और मुझे ये ट्रीट दिया। आज वो गलती मैं बताने वाला हूँ ताकि आप वो गलती ना करो। इतना मेहनत करने के बाद 1,445 सब्सक्राइबर मेरे हुए हैं और ये कम नहीं है किसी भी एक शुरुआती यूट्यूबर के लिए। जो टेक चैनल चलाते हैं ना, जो बताते रहते हैं व्यू कैसे लाए, कौन सा वीडियो डाले, वैसे टेक चैनल्स को भी मैं देखता रहता हूँ और उन्हीं सबसे कुछ कुछ आइडियाज एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। और यही एक्सपेरिमेंट जो है मुझ पर भारी पड़ रहा है। 11 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था तो उस पे से मैंने कुछ वीडियो क्लिप उठाकर उस पे रिएक्शन दिए थे। उस पे जो है कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, जबकि टेक चैनल वाले कहते हैं कि अगर आप किसी का वीडियो उठाकर अपना चेहरा लगाकर रिएक्शन दे रहे हो तो उस पे कॉपीराइट कुछ नहीं आता है, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं, क्लेम नहीं, पर पूरा बात नहीं बताते हैं। तो पूरा बात बतानी चाहिए। अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो यह गलती जो मैंने की है आप नहीं कीजिएगा। आप रिएक्शन टाइप वीडियो बनाते हैं, दूसरे का वीडियो उठाकर अपने चैनल पर डालते हैं, तो यह बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। जो मैंने गलती कर दी आप नहीं करना, और वो गलती मैंने बस समय ड्यूरेशन को लेकर कर दी थी। अगर एक सेकेंड भी अगर वह समय सीमा पार हो जाता है तो आपके चैनल पे यह खतरा बन जाएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आने का खतरा बना रहेगा। कल के मैच वाला जो वीडियो मैंने डाला था वह बस 2 सेकेंड ऊपर हो गया था, बस 2 सेकेंड, और उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। 10 सेकेंड वाले जितने भी मैंने रिएक्शन टाइप वीडियो डाले हैं 10 सेकेंड के नीचे के, उस पर किसी पर भी अभी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया है, नहीं क्लेम आया है, लेकिन इस पर आया। और फिर जो 1 महीना पहले मैंने जो गदर 2 पे डाला था, गदर 2 वाले पे कॉपीराइट आने का कारण क्या था वो भी जान लीजिए। उसमें मैंने अपना वॉइस ओवर दिया था, अपना चेहरा भी दिखाया था, जो मेन वीडियो है उसके सारे ऑडियो को मैंने हटा दिए थे, फिर भी उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। जब सबके पीछे बस एक ही बात होती है कि अगर आप दूसरे चैनल का वीडियो उठाकर अपने चैनल पर डालते हो खुद का चेहरा लगाकर, तो आप उसके क्लिप का उपयोग करते हो और वह क्लिप 10 सेकंड के नीचे होनी चाहिए, 5 सेकंड की हो सकती है, 6 सेकंड की हो सकती है, 10 सेकंड के नीचे होनी चाहिए। ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि 5 सेकंड में ही काम तमाम हो जाए। YouTube का जो मेल मुझे आया था मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को, उस मेल को पूरा पढ़ सकते हैं। इसलिए ऐसे वीडियोस अगर आप बना रहे हैं, रिएक्शन टाइप वीडियोस बना रहे हैं, दूसरे का वीडियो उठाकर डाल रहे हैं, तो समय सीमा का ख्याल रखिएगा। अभी बहुत मुश्किल से ये वीडियो बना पा रहा हूँ ताकि आप सब यह गलती ना करें, और ये जो टेक चैनल्स होते हैं उन पर आँख बंद करके भरोसा ना करें।